वेलकम बैक में, मैं हूं आपका अपना राज भाई। राज आपके सामने है एक न्यू ब्रांड GS 310 जो कि कल रात को भैया ने इसकी डिलीवरी लेते ही आ चुकी है हमारे पास। सुबह देख सकते हैं इसके अंदर, और ये अपनी ब्लैक ब्यूटी। इसके अंदर जो वर्क होगा सारा होगा आपका ब्लैक के अंदर, जैसे क्रैश गार्ड, रेडिएटर गार्ड्स और आपका सम गार्ड, बहुत सारी इसके मॉडिफिकेशन है जो कि नीडफुल मॉडिफिकेशन, बहुत सारी इसके अंदर हम स्टार्ट कराने वाले हैं। देख सकते हैं वाइजर यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इधर आपके रेडिएटर गार्ड इसके अंदर लग चुका है। सम गार्ड आप देख सकते हैं GS 310 का, ये भी आ चुका है एल्युमिनियम का। और क्रैश गार्ड वगैरह देख सकते हैं, सैडल स्टे इसमें लगेगा, अभी इसके अंदर क्रैश गार्ड लगेगा। और भी इसके अंदर जो जो मॉडिफिकेशन होगी वो मैं दिखाऊंगा एंड के अंदर, फिलहाल जो निकाल रखा वो दिखाया था आपको। देखिए ये इसमें मिलेगा मोबाइल होल्डर, देखें कौन सा लगता है इसके अंदर। और हैंड गार्ड भी लगेंगे सब बग बस्टर के, वो भी लाइटिंग वाले जो आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। साथ में टायर अगर लगेगा इसके अंदर, ये आपका BMW ब्रांडिंग का आपको मिलता है इसके अंदर टायर अगर। साथ में इसमें लगेगा आपका हैंडल राइजर जो कि मिलेंगे आपको GS 310 के। और इसके साथ इसमें साइड स्टैंड एक्सटेंडर और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। तो करते हैं स्टार्ट, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं मिलाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक है, क्योंकि भैया ने जो मुझे बोला मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि 100 वीडियोस देखे भैया ने और फिर फाइनली चूज़ किया राजू भाई को। तो मिलाता हूँ भैया से, आइए सर। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारी शॉप पर, हमारे स्टोर पर और हमारे चैनल पर भी। तो बताना चाहेंगे कि आपने इतनी सारी R&D करने के बाद फाइनली मुझे चूज़ क्यों किया? देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे पहले YouTube पे, क्योंकि ये मेरा ड्रीम बाइक है जो मैंने लेना चाहता था बहुत समय से, और मैंने ये परचेज़ किया कल। तो आने से पहले मैंने ये देखा कि कितने मॉडिफिकेशन हो सकते हैं BMW में। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, जिसमें एक वीडियो था जिसमें कि इस बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं आता है, और आपके यहाँ पे सेंटर स्टैंड डाला गया। इवन मुझे सेंटर स्टैंड की नीड नहीं थी, लेकिन फिर मैंने जिस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, क्या आपने किया है, कैसे किया है, वो सब देख के मेरा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मुझे बहुत सारे राजू भाई दिखे, तो मैंने एक क्वेश्चन कर लिया कि भाई राजू भाई एक्चुअली कितने हैं। तो मैंने कहा भाई यही राजू भाई हैं, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे अपनी न्यू एकदम ब्रांड न्यू बाइक लेकर आया हूँ और इसको मॉडिफाई करा रहा हूँ। एक्चुअली उसका कारण ये है कि मार्केट के अंदर ना लोगों ने ऐसा कर रखा है कि कोई भी शॉप है ना राजू भाई, भाई यही शॉप है राजू भाई की, कोई भी शॉप है यही है राजू भाई की शॉप। तो इसलिए फर्जी से सावधान रहे। भैया ने मुझे पर्सनली कॉल करा था, क्योंकि मेरा पर्सनल मैं इसी डालता हूँ स्क्रीन पर, आपने देखा हुआ कि कोई इसने और नहीं कॉल लिया, कॉल सीधा मैंने उठाया था। बिल्कुल भैया ने ही फ़ोन उठाया था, मैंने ही फ़ोन उठाया था। तो मैंने इसीलिए अपना स्क्रीन पर नंबर चलाता हूँ कि जिससे कि आप लोग मिसगाइड ना हो कहीं पर भी, क्योंकि आप किसी के पास भी खड़े हो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट कॉल तो मेरे पास ही आएगा ना, तो पता लग जाएगा, और जब आएंगे तो मेरे से मिल भी लेंगे तो पता लग जाएगा भैया मैं ही हूँ। बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट जो भैया को, जैसे कि हमने अभी भैया ने वीडियो में देखा, अभी भैया काम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कैसा इनका रहेगा व्यू, हमारे पॉइंट ऑफ मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे अकॉर्डिंगली किस तरीके का ट्रस्ट है। क्योंकि हम ये नहीं कहते पहले आते हैं, अब पहले ट्रस्ट बता दो हमें ट्रस्ट किया नहीं किया। वीडियो ट्रस्ट ओके है, काम करने के बाद पूरा ट्रस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो करते हैं कंटिन्यू इसको, और जितना आप इन्जॉय करिए सिनेमेटिक्स वगैरह को और इसकी बाइक की मॉडिफिकेशन को जो कि आप देख ही रहे हो, और फिर उसके बाद मिलते हैं एंड में। दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर अपने GS 310 के अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन की है और क्या क्या करने वाले थे, अब फाइनली हो चुके कंप्लीट। और अब दिखाते हैं इसके अंदर हमने फाइनली क्या किया है। वैसे आप लोगों का दिख रहा होगा, हमने गूगल यहाँ लगा रखा, यहाँ नहीं लगा रखा, मुझे किसी ने कहा इसलिए, ठीक है। इसके अंदर दिखाएंगे आपको वाइजर जो कि लगा देगा इसमें ब्लैक स्मोक की वाला, ये इसमें इंस्टॉल कर दे। इंस्टॉल करने के बाद ना आप लुक देख सकते कैसी हो चुकी है इसके लगने के बाद, क्योंकि एडवेंचर बाइक है, जब राइड करते हो कंफर्ट राइड ना हो तो मज़ा आने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और ये बाइक ऐसी है कि एडवेंचर के लिए ही बनी हुई है, तो ये आपके विंड को करता है कंट्रोल, चाहे आपकी गर्म हो चाहे ठंड हो, दोनों में कंट्रोल करेगा आपके। और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, फिटमेंट देखो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं कहीं से कहीं तक। साथ में इसमें लगा देगी हेडलाइट ग्रिल जो कि मिलती है आपको GS 310 की ओरिजिनल, देख सकते हो आप, ये GS 310 ब्रांड की ओरिजिनल जो कि इसके इंस्टॉल कर दी गई है। इसे इंस्टॉल कर लुक तो इन्हें हो ही जाती है, बट लुक के साथ साथ क्या सेफ्टी भी मिलती है आपको, जैसे कि जो हेडलाइट देख रहे हो आप पूरी कवर्ड हो चुकी है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे इससे हेडलाइट रुकती है, तो रुकती नहीं है बिल्कुल भी, होल्स देखते हो तो पूरी इसमें विजिबिलिटी होती है, जितनी इसके अंदर लाइट होती है पूरी की पूरी निकलती है इसके अंदर। और साथ में फॉगलिंग भी लगा रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। इसे लगाने के बाद क्या होता है, जो रोशनी आपको चाहिए वो आपको मिलती है इसके अंदर पूरी तरीके से। रोशनी आपको एक बार चेकआउट करा दो किस तरीके से आती है, ये देखिए चाबी ऑन करते हैं। और ये आपकी हार्नेस वाली, इसमें मिलेगा आपको येलो,
जो कि देख सकते हो आप, इसके में मिलेगा वाइट, फिर येलो वाइट, फिर इसमें मिलेंगे आपको ब्लिंकर्स, देख सकते हो ब्लिंकर जो पैटर्न है ना, ये आपको मिलता है 4 to 5 पैटर्न जो कि आपको इसके अंदर मिल जाते हैं इजीली। और जितनी भी हार्नेस वाली होती है ना, ये पैटर्न सिर्फ उन्हीं के अंदर मिलेंगे, अदरवाइज इसके अंदर नहीं मिलते हैं। बिना हार्नेस आपको मिलते हैं नॉर्मल। और क्लैंप देख सकते हैं, बहुत ही हैवी क्वालिटी क्लैंप है जो इसके अंदर माउंट कर रखा है, जिसके इसके अंदर, क्योंकि जब भी राइड पर जाए तो कम से कम सेफली चल सके, कहीं भी निकलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, टूटेगी भी नहीं आपकी। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर नीचे की तरफ, ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हो ये आपका शॉक प्रोटेक्शन, और ये इसका फॉक्स लैडर। शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर से जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो आपका ये होता है कि एक तो मडगार्ड शेप होगा, और साथ में ना आपको होता है यूएसजी शॉकर पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि अगर इस पर कुछ भी लगा ना तो बहुत ही मोटा खर्चा आ जाता है, और कम से कम 1 मंथ के लिए गाड़ी आपको खड़ी करनी पड़ेगी सर्विस सेंटर के अंदर। तो उसे बचाने के लिए इसमें ये लगा दिए गए आपका शॉक प्रोटेक्शन। नीचे मिलेगा आपको फॉक्स लैडर जो कि आपकी लुक भी एनहांस करेगा इसकी बाइक की, और साथ में ना सेफ भी होता है पूरी तरीके से। इधर आपको शॉकर सेफ होगा, मरगाट सेफ होगा, और इस तरफ से आपकी डिस्क प्लेट भी होती है पूरी तरीके से, और एबीएस प्लेट भी होती है पूरी तरीके से सेफ। और गोल्डन मैचिंग इसलिए दी गई है इसके अंदर क्योंकि जो इसका शॉक ऑब्जर्वर होता है ये होता है गोल्डन, और गोल्डन से गोल्ड मैच हो जाता है इसलिए। और साथ में इसमें देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हो ये है इसका रेडिएटर गार्ड जो कि लगा दिया गया स्टेनलेस स्टील वाला। और रेडिएटर लगाने का मकसद जो होता है वो पता क्या होता है इसका, ये होता है कि जो रेडिएटर होता है जब भी आप राइड करते हो तो इसमें कुछ भी लगता है पत्थर वगैरह, तो आपका रेडिएटर डैमेज होने से पूरा। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ ना नीचे की तरफ, ये आपको मिलेगा G310 ब्रांडिंग के साथ, मिलता है आपको सम गार्ड, ये मिलता है आपको मेटल के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, जो आपका ऑयल फिल्टर वो करता है पूरी तरीके से सेफ। और ऑयल फिल्टर सेफ होने के साथ साथ ना लुक भी इनहेंस हो जाती है इसके, नीचे ना डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है, उसको भी करता है पूरी तरीके से कंट्रोल। और बात करें ऊपर की तो दिखाएंगे आपको इसके अंदर, ये है इसके हैंड गार्ड जो कि मिलते हैं आपको बर्क बाशर के लाइटिंग वाले, देख सकते हैं चाबी ऑन करते ही इसके अंदर आपको लाइटिंग मिल जाती है जो कि मिलती है वाइट कलर की, और जब इंडिकेटर ऑन करेंगे तो आपको मिलता है इंडिकेटर, देख सकते हो आप, ये इसमें इंडिकेटर भी साथ में देखने को मिल जाएगा आपको, मतलब सेफ्टी की सेफ्टी और लुकिंग की लुकिंग इनहेंस भी आती है लगने के बाद। और आपके पूरे हैंड देख सकते हो, ये पूरे हैंड और लीवर दोनों होते हैं आपके पूरी तरीके से सेफ, सेम इधर सेम देखने को मिलेगा आपको इस तरफ। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो कि मिलती है आपको इसके अंदर, GPS माउंट, देख सकते हो आप, ये इसका GPS माउंट जो कि इंस्टॉल कर दिया गया है। और GPS माउंट जो है ना उसके लगाने के बाद आपका वाइजर भी नहीं लेगा, ना ही आपका मोबाइल ऑर्डर लेगा, ये आपके माउंटिंग देख रहे हो, इससे क्या होता है ये आपका ना इसको हिलने से पूरा बचाता है। GPS माउंट लगने के बाद अगर मोबाइल लगेगा ना इसके अंदर, अगर ये नहीं लगा होगा तो आपका समझ लो हिलता रहेगा आपका मोबाइल होल्डर, तो आपके ये टूटने का खतरा होता है। तो पूरा करता है सेफ आपका GPS माउंट जो कि इसके अंदर ही आपकी माउंटिंग देख सकते हो इससे। और साथ में मोटो जी ने इसका ओरिजिनल लगा दिया है आपका मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है 3.0 फास्ट चार्जिंग वाला, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप चाहो तो अपना मोबाइल लगाने के बाद कहीं पर भी इजी टू राइड कर सकते हो, अपनी किसी बाइक में से आप लगा सकते हो, क्योंकि पता है ज़्यादातर रास्ता पता नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता मैं किसे आगे बताऊँ। अब इधर देखने को मिलेगा आपको, ये देख सकते हो ये इसका GS 310 ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है हैंडल राइजर, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो क्या होता है इन बाइकों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पेन होता है आपके शोल्डर्स के अंदर, तो ये क्या होता है थोड़ा 1.5 इंच आपका राइज होता है हैंडल, जिससे इजीली आप राइड कर सकते हो। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर मेन चीज़ जो कि लगाया है इसके अंदर, फुल बॉडी क्रैश गार्ड देख सकते हो आप, ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड है जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो कि मिलता है आपको प्रॉपर फिटमेंट और काफ़ी हैवी क्वालिटी का है जो कि आप देख सकते हो। और इस पर होती है आपकी डबल पाउडर कोटिंग, और साथ में मिलती है इसकी लाइफ टाइम गारंटी, कभी भी टूटता है तो मैं सीधा करूँगा आपका चेंज, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, इस तरह इसलिए। इधर मिलेगा सेम मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो किस तरीके। और जो ना अमूमन लोग क्या करते हैं, एक लगाते हैं इधर तक हाफ, और दूसरा फिर एक जॉइंट डालते थे नीचे की तरफ जो कि आपने देखा, बट ये है पूरा वन पीस सिंगल पीस, ऊपर से नीचे से मिलता है फुल पूरा सिंगल फिटिंग के अंदर आपको मिल जाता है हैवी क्वालिटी का क्रैश गार्ड, जिससे आपका टैंक भी सेफ हो गया, आपका वाइजर सेफ हो गया, एंड आपके खुद के लैग्स भी हो गए पूरी तरीके से सेफ। और साथ में इसमें देखने मिलेगा बैक साइड के अंदर आते हैं तो आइए साइड में मिलेंगे इसके अंदर जो सैडल स्टे जो कि ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, क्योंकि जब भी राइड पर जाना हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है, सैडल बैग वगैरह लगा सकते हो इसके अंदर आप चाहो तो इसके अंदर पैनियस वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि आपको पता है कि ये नीडफुल चीज़ें जो लगती है इसके अंदर, सैडल स्टे दोनों तरफ लग जाते हैं। साथ में लगा दिए गए इसके अंदर टॉप बॉक्स जो कि मिलता है आपको ओरिजिनल RP का इसके अंदर लगा दिया गया है, मैंने खोल दिया इसका और देख सकते कितना सारा सामान जो इसमें निकला था ना वो सारा का सारा भैया ने इसमें रख दिया है, और कुछ भैया बैग में भर कर लाए थे वो भी इसके अंदर डाल चुके हैं हम सारा सामान, क्योंकि ये 45 लीटर का, और ये मिलता है आपको डिटैचेबल, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना तो आपके इसमें आप चाहो तो इसके अंदर वो भी रख सकते हो। और ये होता है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का, और ये मिलता है आपको मेटल का, नॉट ABS नॉट प्लास्टिक मिलेगा आपको मेटल का, क्योंकि इसे लगाने के बाद कहीं भी राइड करोगे ना तो आपका सामान भी सेफ हो जाएगा, और साथ में डिटैचेबल भी होता है, आप चाहो तो लॉक खोलिए इसका
लॉक खोल के साथ में ये डिटैचेबल होता है, ये देख सकते, देख रहे हो आप प्लेट नीचे लगी हुई है, कुछ नहीं कर सिंपली इसका लॉक खोलने के बाद इसको निकाल कर कहीं भी आप रख सकते हो अगर आपका यूज़ नहीं है तो। और साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, देख सो BMW ब्रांडिंग का मिल जाता है आपको इसके अंदर टायर, अगर इसे लगाने का लुक तो नहीं सोया, लुक के साथ साथ ना जो आगे डस्ट जा रही है देखो काफ़ी सारी, वो पूरी डस्ट पूरी तो नहीं करेगा लेकिन काफ़ी हद तक डस्ट को करता है कंट्रोल, और जो क्लीनर बैठता है उस पर भी काफ़ी हद तक नहीं जाता है इसके अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हो साइड स्टैंड जैकेट ये भी इसके अंदर लगा दी गई, जो कि मिलती है आपको स्टेनलेस स्टील की BMW की ब्रांडिंग के साथ। साथ में मिलता है आपको इसके अंदर देखने को ये इसका गियर शॉक जो कि लगा दिया गया है, जिससे आपका शूज़ होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। तो ये तो देखी इसकी बाइक की मॉडिफिकेशन, मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया के बाइक है, जैसे कि मैंने बताया कि भैया ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी और देखकर फाइनली हमें चूज़ किया, और स्टार्टिंग में भैया ने अपना रिव्यू दिया भी था। अब पूछते हैं तो भैया को कैसा लगा। तो हेलो सर, तो सर कैसा लगा आपको और कहाँ से आए हैं और बाकी सब? मैं आया हूँ देहरादून से और मैंने ये वीडियो देखे थे राजू भाई के, बहुत सारे, सिर्फ मेरे नहीं, सिर्फ आपके नहीं, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लगभग 100-150 वीडियोस मैंने पहले देखे हैं यूट्यूब पे, कितने मॉडिफिकेशन कैसे क्या होता है। फिर फाइनली मैंने को राजू भाई के बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ आऊँगा। आने से पहले मैंने उनको कॉल किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजू भाइयों की दुकानें हैं, तो मुझे पता दुकान सिर्फ मेरी है पर मेरे नाम से फर्जी जमाड़ा चल रहा है यहाँ पर, इसलिए। तो फिर मैंने पहले उनको फ़ोन किया, तो कल तो लेट हो गया था पर आज सुबह आके फिर हमने सुबह यहाँ पे 10 बजे बाइक लगाई और आई एम हैप्पी विद दिस मॉडिफिकेशन, थैंक यू। कल कितने बजे आपने डिलीवरी ली थी रात इसकी? मैंने ली थी 7:30 बजे डिलीवरी इसकी कल रात को। सुबह कितने बजे आ गया? 10 बजे मैं यहाँ आ गया था। अरे इसे कहते हैं प्यार। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, काम बहुत सेटिस्फेक्शन से होता है, अच्छे से होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, बाकी बहुत बढ़िया है बाकी सब। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। ये तो थे भैया जिनकी ये बाइक थी, जिन्होंने बाइक का काम कराया। आपको भी कराना है अपने किसी भी बाइक का काम तो आप आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलती है आपको दिल्ली करोगा नावेल के अंदर। जब भी आप आते हो जैसे कि भैया ने कॉल करा ऐसे मैं भी आपसे चाहता हूँ कि कॉल करके आए तो ज़्यादा इसी तरह का भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस लोकेशन सब कुछ डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो और वरना आ सकते हो डायरेक्टली लोकेशन लगा कर। और बाकी करना क्या ना बता आपको, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है राजू भाई SKD, जो कि मिलेगा यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर इसके और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।